हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल बेकर सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है करंट सिनेरियो ऑफ बेकरी इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चैलेंजेज। अगर हम बेकरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा स्मॉल साइज की बेकरी हैं और 2000 से ज़्यादा लार्ज साइज की ऑर्गेनाइज्ड एंड सेमी ऑर्गेनाइज्ड बेकरी है, जैसे कि ब्रिटानिया, पार्ले, आईटीसी, किट्टी, बॉन, क्रीमिका और बहुत सारी बेकरियां हैं। हमारा बेकरी सेक्टर लगभग 3 मिलियन टन बेकरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है, जिसमें से 1.3 मिलियन प्रोडक्शन बड़ी इंडस्ट्रीज करती है, बाकी बचा हुआ छोटे और स्मॉल साइज की बेकरीज करती हैं। सभी फूड सेक्टर में से बेकरी सबसे बड़ा सेक्टर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक मार्केट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की बेकरी मार्केट की वैल्यू लगभग $7.22 बिलियन थी 2018 में, जो कि आने वाले 5 साल में $12 बिलियन हो जाएगी। अगर ग्रोथ की बात करें तो ये सेक्टर करीब 10% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है। बेकरी सेक्टर का 80% प्रोडक्शन जो है वो ब्रेड और बिस्किट का है। बिस्किट प्रोडक्शन में इंडिया का दूसरा नंबर है यूएस के बाद। अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें तो इंडिया में एवरेज 1 से 2 केजी है बेकरी प्रोडक्ट्स का, जबकि वर्ल्ड की बात करें तो ये 15 से 20 केजी है। एक टर्म हम जनरली सुनते हैं वो है FMCG, इसका मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। बेकरी भी हमारी एक FMCG सेक्टर की इकाई है। अब हम बात करेंगे बेकरी इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक क्लियर ट्रेंड जो इस समय बेकरी में चल रहा है वो है लाइटर, मतलब कम कैलोरी वाला फूड, हेल्दियर और हाइजीनिक फूड। आजकल लोग मल्टीग्रेन ब्रेड, आटा ब्रेड और ग्लूटेन फ्री ब्रेड प्रेफर करते हैं। अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो जैसे कि कंट्रीज में डायबिटीज़ के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, तो लोग शुगर फ्री और हेल्दी प्रोडक्ट की भी डिमांड करते हैं। दूसरा जो ट्रेंड है वो है लोग ट्रेडिशनल और होममेड प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। अब ज़्यादातर पीपल को हेल्दी, हाइजीनिक एंड टेस्टी फूड चाहिए, वो लोग हाई रेट का प्रोडक्ट अफोर्ड कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेज हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे बड़ा चैलेंजेज है कि डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी को बिल्ड करना है। इसके लिए बेकरी प्रोड्यूसर को बजट की रिक्वायरमेंट है, साथ में न्यू प्रोडक्ट के लिए स्किल्ड मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद मैनुअल प्लांट से ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप भी एक नया चैलेंज है बेकरी प्रोड्यूसर के लिए। अगला चैलेंज जो है वो है FSSAI की गाइडलाइन के हिसाब से हाइजीनिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सब रिक्वायरमेंट पूरी करे। इसके बाद चैलेंज है कि रेगुलर ट्रेनिंग कल्चर बिल्ड करना। अगर हमें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन को मेंटेन करना है, तो टाइम से टाइम हर लेवल के एम्प्लॉइज को हमें नॉलेज को अपडेट करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के द्वारा। इसके बाद अगला बड़ा चैलेंज है फोर्टिफाइड फूड की प्रोडक्शन करना, जैसे कि फाइबर, विटामिन एंड मिनरल फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्शन। बेकर्स जो करंट में प्रोडक्ट बना रहा है उसी को फोर्टिफाइड बनाने के लिए प्लांट में जो चेंजेस करने पड़ते हैं वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कि मशीनरी चेंज करनी है, इक्विपमेंट चेंज करने हैं और रेसिपी को भी चेंज करना है। इसके बाद जो अगला बड़ा चैलेंज है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, जैसे कि इंग्रेडिएंट, फ्यूल और मैन पावर की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, तो इन प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करना भी बेकरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें मार्केट की डिमांड के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से नए प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ता है। ये सब डिस्कस किया हमने इस टॉपिक में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं।
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा।